वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर, और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल एवं किसान पुत्र जगदीप धनखड़ को भाजपा एवं एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चहार के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली में जमा हुए। किसान नेताओं ने ढोल नगाड़ा बजाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर पहुंचे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आभार जताया और अभिनंदन किया। राजकुमार चहार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष राजकुमार चहार द्वारा किए गए अभिनंदन के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। किसान पुत्र जगदीश धनखड़ को एनडीए का उपराष्ट्रपति प्रत्याशी बनाने के लिए नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीश धनखड़ और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच कई बार टकराव की स्थिति भी बनी। जगदीश धनखड़ हमेशा उनसे विवादों में रहे, जिसके चलते उन पर आरोप भी लगा कि वह बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं। परंतु आज किसान पुत्र को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने किसानों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य बताया है। तो वहीं भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहार ने उनका धन्यवाद दिया है। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहार ने कहा कि भाजपा किसान मोर्चा और देश की समस्त किसान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति प्रत्याशी बनाए जाने से गर्व की अनुभूति कर रहा है। हम बारंबार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को किसान पुत्र जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति प्रत्याशी बनाए जाने के लिए साधुवाद देते हैं। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का किसान आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोगों ने किसानों को भ्रमित करने का काम किया है। अटकाने, लटकाने और भटकाने वाले लोगों ने किसानों को बरगलाने का भी भरसक प्रयास किया, परंतु उनके मंसूबों को कभी पूर्ण नहीं हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्राथमिकता किसान हित है। किसानों के प्रति संवेदनशीलता उनके किसानों के लिए किए गए कार्यों से पता लगती है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार सभी लोग उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। तो वहीं पुष्प मालाओं के साथ पगड़ी पहनाकर जेपी नड्डा जी का स्वागत किसानों के द्वारा, किसान नेताओं के द्वारा, जाट नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार फतेहपुर सीकरी के सांसद एवं भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहार के नेतृत्व में सभी लोग जेपी नड्डा जी से मिलने पहुंचे हैं और उनका स्वापा और माला के साथ साथ आप देखिए पुष्प देकर सम्मानित किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, बारंबार उन्हें धन्यवाद दिया जा रहा है। बीजेपी किसान मोर्चा के नेताओं ने नड्डा जी से मुलाकात की है और उनका अभिनंदन किया है, स्वागत किया है और बार बार उन्हें धन्यवाद दिया है, जिसके लिए नड्डा ने मिलकर सभी लोगों को धन्यवाद दिया है। तो देखिए किस प्रकार बोले जेपी नड्डा किसान मोर्चा के द्वारा किए गए अभिनंदन को लेकर। सोचा था कि किसान पुत्र उपराष्ट्रपति बनेंगे, आप कभी मांग करने नहीं आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने तय किया और आज आप लोगों को इतना इतनी खुशी है आप सबके मन में, आप हमें धन्यवाद देने आए, प्रधानमंत्री का धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद सहर्ष स्वीकार करते हैं, आपके धन्यवाद को मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके का जोश किसानों के बीच में है और किसान पुत्र किस तरीके से अपने प्रत्याशी के बारे में सोच रहे हैं। मित्रों, ये रास्ते से भटकाने का काम, अटकाने का काम, लटकाने का काम, इनको अब भटकने दो, लटकने दो, अटकने दो, तुम चले चलो अपने रास्ते पर, इस रास्ते पर।